जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई अगस्त 2024 के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसे जानेंगे कि इसमें नया नियम क्या है सीटेट में, और इस बार सीटेट क्यों ज़रूरी है पास करना, ये भी बात आप इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे कि सीटेट इस साल क्यों ज़रूरी है और जुलाई अगस्त में क्यों ज़रूरी पास करना। देखो, सबसे बड़ा जो नियम आया है वो नियम आया है कि सबसे पहले हम जैसे पहले सीटेट लेवल 1 और सीटेट लेवल 2 दिया करते थे, तो वो सिर्फ उन्हीं के लिए लागू था, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। लेकिन अब केंद्र सरकार और स्टेट लेवल जो सरकार है उसने भी अब रूल चालू कर दिया है कि अब वो उसको L3 भी देना पड़ेगा। ठीक है, L3 मतलब 9 से लेकर 12 तक जो टीचर बनते हैं उनके लिए पहले सीटेट नहीं था, लेकिन अब सीटेट उनके लिए भी ज़रूरी कर दिया। ठीक है, तो अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो 9वीं से लेकर 12वीं तक, तो उनको भी सीटेट परीक्षा पहले पास करनी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे नए नियम के ऊपर, हमारी बात हो गई। दूसरा, क्यों खास है इस साल सीटेट पास करना। देखो दोस्तों, मैं साफ कह दूं, इस बार सीटेट जो परीक्षा है वो आपकी जो होने वाली है वो ऑफलाइन होने वाली है। ठीक है, इस बार सीटेट जो परीक्षा है वो ऑफलाइन होने वाली है। इसके बाद जो भी आपके सीटेट के एग्जाम होंगे वो सभी ऑनलाइन होने वाले हैं, उनको NTA करवाएगा। ठीक है, इसलिए आपको इस साल अच्छी मेहनत करके सीटेट को इसी साल निकाल देना है। ठीक है, क्योंकि इस बार ऑनलाइन परीक्षा होगी, और ऑनलाइन में बहुत समस्या होती है, नेटवर्क समस्या होती है, किसी बच्चे के पास कंप्यूटर चला नहीं आता। तो आपको इस साल पूरी जी जान लगा देनी है और अच्छी मेहनत करनी है। ठीक है, दूसरी बात क्या करनी है कि बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, सर इसका एग्जाम क्या होगा। इन चक्करों में नहीं पढ़ना है कि नोटिफिकेशन तो आपका आता रहेगा, नोटिफिकेशन तो आता रहेगा। आपका एग्जाम जुलाई अगस्त में होने वाला है, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका अप्रैल अप्रैल तक आ जाएगा। ठीक है, अप्रैल लास्ट तक आ जाएगा। तो आपको इन चीज़ों से दूर हो जाना है, आपकी तैयारी से जुड़ जाना है। एग्जाम कब होगा, एग्जाम आपका जुलाई अगस्त में होने वाला है। ठीक है, देखो बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। इन बातों से भयभीत होकर दूर चले जाइए और आपकी तैयारी में जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि जो आपका इस साल जो आपका एग्जाम है वो खास होने वाला है, और आपके जो लेवल है वो भी इस देखो आज पेपर देखा होगा तुमने, कई पिछले मतलब 22 का 23 का, और ये देखा होगा लास्ट में हुआ 21 जनवरी का जो पेपर का लेवल तो हार्ड था। तो आपको तैयारी स्मार्ट करनी है। ठीक है, स्मार्ट तैयारी करनी है, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।